नमस्कार सारे राजाओं को राजा बनना है। चलें इसी मुहिम के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनी एंड अपॉर्चुनिटी, हाँ 16 जोन्स में एक जोन जो कि नॉर्थ का होता है, जिसमें तीन देवता विराजमान हैं और मनी एंड अपॉर्चुनिटी को गवर्न करते हैं, वो क्या होता है और कैसे मनी एंड अपॉर्चुनिटी को आप क्रिएट करते हैं। कीमियादार वो जो सोना घर पे बनाता है और लोग लाइन लगा के उसके यहां आते हैं और वो देने से इनकार कर देता है, उसे कीमियादार कहते हैं। मेरे गुरु ने इसी बात को बताया था कि कीमियादार वो जो तांबे से सोने को बनाने की कला जानता है। तांबे से सोने को बनाने की कला, यकीन मानना आप भी उस कीमियादार से लाइन लगा के सामान खरीदते हैं। किस कीमियादार की बात कर रहा हूं? एक छोटा सा आईफोन है ना, जब भी होता है कि नया मॉडल लॉन्च होने वाला है, लोग लाइन लगा के उस शोरूम के बाहर खड़े होते हैं कि मैं सबसे पहले उसे खरीदूंगा। तो कीमियादारी का मतलब है जिसे वो समझ में आ जाता है कि मेरा कस्टमर क्या चाहता है। तो मनी एंड अपॉर्चुनिटी का क्रिएटर कौन हुआ? वही कीमियादार जिसको ये समझ में आ गया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और आप जानेंगे कि कैसे छोटी सी चेंजेस करके आप कीमियादार बन सकते हैं। धन्यवाद। चलिए जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि क्या है मनी एंड अपॉर्चुनिटी। काफी लोग बार बार कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे को वो ऑर्डर्स नहीं कनेक्ट हो रहे हैं जो मैं चाहता हूं। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आते हैं और कई बार हमारा ध्यान साउथ ईस्ट की दिशा पे जाता है। पर साउथ ईस्ट की दिशा पे जाने से पहले अगर हम इस बात को समझ लें कि पेमेंट्स जो है वो क्रिएट कहां से होती है, तो नॉर्थ के जोन से पहले क्रिएट होती है। जब आप इस छोटे से रहस्य को समझ जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आप किसी के लिए पेमेंट क्रिएट कर सकते हो पेमेंट, या अपने स्वयं के लिए कैसे सेल को इंक्रीज कर सकते हो। जब हम किसी जोन को देखते हैं, आज इसी वीडियो के अंदर हमारा एक टॉपिक है नॉर्थ का जोन क्या है, तो नॉर्थ के जोन के अंदर जब हम तीन देवताओं को देखते हैं, इसमें तीन देवता विराजमान है, बुधर भल्लाहट एंड सोम, तीन देवता विराजमान है। तो जब मुझसे कोई पूछता है या एक काउंसलिंग के लिए आपसे भी कभी कोई पूछेगा कि मुझे वास्तु कराना है, या मुझे कभी कोई मुझसे कभी पूछता है कि एक वास्तु कराना है मुझे, तो मैं उसके सामने तीन प्रश्न रखता हूं। आप भी उस प्रश्न को रखिए कि आपकी डेली की रूटीन क्या है, क्योंकि जो रूटीन बनाता है वो तो बुधर है ना। मैंने काफी बार इस बात को बताया है कि एक काम जो टास्कलेस बना के किया जाता है वो बुधर की जिम्मेदारी। तो पहला प्रश्न मैंने पूछा कि आपकी रूटीन क्या है। दूसरा, आपको जो आप चाहते हो वो कैसे मिलेगा। अब मैं उसे कनेक्ट करूंगा, आप छोटा सा डाउनलोड कीजिए इस बातों को कि कैसे मिलेगा और आप क्या देते हो इसी से तो मिलेगा वो सारा कुछ। तो ऐसे छोटे छोटे तीन प्रश्न में रखता हूं। पहला प्रश्न, आपकी रूटीन क्या है, दूसरा कैसे मिलेगा, और तीसरा आप उसे क्या देते हो। ये तीन प्रश्न रखते ही वो नॉर्थ का जोन मेरी तरफ से खुल के आ जाता है। ये सारा रस है जो हमारे दिमाग में चलता रहता है, या कहिए ये वो संसारी भाव है जो आज दो देवता में और एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो संसारी भाव है जो हमें डिलाइट इन करता है। वैसे 33 संसारी भाव बोले गए हैं, मैंने 32 एंट्रेंसेस के साथ 32 संसारी भाव की बात करी और सेंटर के साथ ब्रह्मा जी की बात करी। इसी तरीके की कुछ और इनसाइट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी दिल्ली में 16 फरवरी को कोर्स होने जा रहा है गुड़गांव होटल रेडिसन में, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मेरे लाइव सेशन होते हैं एक फेसबुक ग्रुप के अंदर, तो चाहे तो उस ग्रुप की मेंबरशिप लेके भी वो लाइव सेशन को सुन सकते हैं कि मैंने कैसे यहां तक इन सारी बातों को कनेक्ट किया। घर बैठे भी आप इसका आनंद उठा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं कि क्या होता है नॉर्थ, क्या होता है मनी एंड अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने कहा, सबसे पहला देवता बुधर टास्क मास्टर। आपकी डेली की रूटीन क्या है? क्या आप समय पे ऑफिस पहुंच जाते हैं? क्या आपके पास स्टाफ सारे के सारे हैं? क्या आपको कमांड देना आता है? इस तरीके की कुछ चीजें जब हम काउंसलिंग में पहचान जाते हैं और हमें पता चलता है कि यार इसका तो बुधर ही डिस्टर्ब है, तो बुधर के अंदर देव डिप्स, स्प्रिंग्स, कॉइन्स करके लगा सकते हैं। एक प्रश्न उठता है हमेशा मेरे पर्सनल मैसेंजर में कि सर कॉइन क्या है, स्प्रिंग्स क्या है, देवता क्या है या देव मनिया क्या है? तो मैं समझाता हूं आज इसी बात को लेकर। मैं ऑफिस तो जाता हूं पर जल्दी वापस आ जाता हूं। तो ऑफिस तो जा रहा हूं, डेट मीन्स कि मैं टास्क करने की कोशिश तो कर रहा हूं पर वो टास्क कंप्लीट नहीं होता, मैं वापस जल्दी आ जाता हूं। तो इसे ऐसे कनेक्ट कीजिए कि देवता मौजूद है
पर स्ट्रांग नहीं हो रहा, पर स्ट्रांग नहीं है। तो यहां पर क्वाइंस काम आएंगे, जो देव क्वाइंस हमने बनाए, कुछ मेटल पीसेस हमने दो मेटल्स के कंपोजिशन पे बनाए, तो यहां क्वाइंस काम आएंगे। अब एक बात आती है, जो करता हूं उल्टा हो जाता है, जो करता हूं उल्टा हो जाता है। तो देवता की पोलैरिटी, देवता मौजूद है पर देवता की पोलैरिटी उल्टी हुई हुई है। कई बार आप कंपास में देखेंगे कि कभी कभी जो मैग्नेटिक कंपास है वो नॉर्थ की जगह साउथ दिखाता है, साउथ की जगह नॉर्थ दिखाता है, ऐसा होता है ना। तो क्या होता है, उस मैग्नेटिक कंपास की पोलैरिटी जो है वो डिफरेंट हुई हुई होती है। तो वहां पर एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग्स काम आते हैं। बहुत छोटा सा है, तीन ही चीजों से हम बैलेंस करते हैं या देवता को क्रिएट करते हैं या देवता का पावर देते हैं। तो जैसे ही आपको यह पता चले कि पोलैरिटी जो है, जो करता हूं उल्टा हो जाता है, जो करता हूं करता हूं करता हूं, बार बार आप उस चीज को याद करें कि टास्क मास्टर, टास्क 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 अंदर डाउनलोड कर लीजिए, बहुत आसान है। 45 शक्तियां बच्चों के खेल जैसे लगने लगेंगी। ये 12 फिक्स भाव को 32 संसारी भाव के साथ कनेक्ट करते हुए जो 33वां भाव ब्रह्म का जो भाव है उसे क्रिएट करने की एक छोटी सी कला। तो जो करता हूं उल्टा हो जाता है, तो देवता की पोलैरिटी उल्टी हो रखी है, इस पे एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग डाल के इसे रीस्टेट करेंगे। एक इसके अलावा कुछ करने का मन ही नहीं करता, कुछ करने का, बार बार करना करना करना, डाउनलोड कीजिए इसे, डाउनलोड कीजिए सबकॉन्शियस माइंड को, इस कमांड्स को एक्सेप्ट कीजिए। तो ये ट्रिगर पॉइंट्स हैं, जैसे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रेनिंग हो गई है इस बात को। तो जो करता हूं मुझे कुछ करने का मन ही नहीं करता, जो करता हूं उल्टा हो जाता है स्प्रिंग, है ना, जाता हूं करने की कोशिश करता हूं कर नहीं पाता हूं वापस आ जाता हूं, तो देवता थोड़ा सा वीक है, तो क्वाइंस। इसके अलावा अगर मैं कर ही नहीं पाता तो इसके लिए वहां देवता डालने पड़ेंगे। देवता 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 मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, ये वो भाव है जिसके साथ तो एक इंडिकेशन है, वो मेटल पीसेस जाते ही ऑटोमेटिकली कंपोजिशन क्रिएट हो जाती है और लोगों को करने में आनंद आता है। उन्हीं के वो जायम्स जो है दिमाग के अंदर जो जो केमिकल्स हैं वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों रीएक्टिवेट होते हैं, ये जो रहस्य है, और इसको और आगे आने वाली वीडियोज में मैं क्लियर करूंगा कि क्यों एक्टिवेट होते हैं। होते तो हैं और सारी चीजों का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ बोल दिया और वो पीछे से हमें ना मिला हो, हमें वो ग्रंथों से मिला है और उसी चीज को मैंने आज डे टू डे एक्टिविटी के साथ कोलैबोरेट करके आसान शब्दों के साथ मैच करने की कोशिश करी। तो करने का मन ही नहीं करता तो देवता मिसिंग है, तो उस पे देव डिप्स, हमने उसे देव मनिया कहा है, उसे इंसर्ट कर दीजिए। अब आपको समझ में आया तीन भाव और तीनों अलग अलग भाव के रीजंस क्या है, उसके दिमाग में क्यों क्रिएट हो रहे। चलिए, पहला मैंने बुधर एक्सप्लेन किया कि टास्क मास्टर है। अब मैंने दो प्रश्न और पूछे थे कि क्या डिलीवर करते हो आप। एक पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी व्यक्ति को यह चुनने की शक्ति कि वो जो चुनाव कर रहा है वो सही है कि गलत है। एक शॉपकीपर को जब मैंने देखा, वो शॉप में वो सामान रखता है बेचने के लिए जो उसे स्वयं को पसंद आता है। कई बार मैंने उसी शॉपकीपर से जब बात करी कि सर ये क्यों आपने रखा, इसे एक छोटी सी स्टोरी के साथ कनेक्ट करा जा रहा हूं, प्रैक्टिकल स्टोरीज के साथ कनेक्ट कराऊंगा, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई करके वहां पर टीके लगाओगे। तो मैंने जब पूछा तो क्यों रखते हो, क्या पब्लिक की डिमांड है। नहीं सर, मुझे इस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है, शॉपकीपर ने मुझे कहा, मुझे इस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है कि ये खराब नहीं होता। तो शॉपकीपर जो भी माल रखता है अपने शॉप के अंदर, वो अपने ट्रस्ट के हिसाब से रखता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से रखता है, अपने पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से रखता है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक चुनने की शक्ति, क्या जो मैं शॉप के अंदर रख रहा हूं वो सही चीज है मेरे कस्टमर के लिए। तो समझ में आया बूधर कैसे काम करता है। बूधर आपके अंदर वो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है कि क्या जो मेरा चुनाव है वो सही है मेरे कस्टमर की नीड के हिसाब से है, क्या मेरे कस्टमर की नीड के हिसाब से है। सोम, सोम, अब हम फिर से N5 के देवता के ऊपर आ जाते हैं। सोम वो सॉल्यूशन है जिसको लेने के लिए कस्टमर आपकी शॉप में आया है। बहुत आसान है, छोटी सी बात, वो सॉल्यूशन है जिसे लेने के लिए कस्टमर आपकी शॉप में आए। कई बार जब कोई फोन लगाता है तो वो क्या चाहता है कि सर आप कर दो जो आपको समझ में आता है। तो जो कर दो है ना, आप कर दो, तो किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, हम ट्रस्ट करते हैं शॉपकीपर के ऊपर, है ना। तो एक बात छोटी सी अपने जहन पे ध्यान दे के देखिएगा, अपने जहन से पूछिएगा इस बात को, क्या दुकान दिखती है, क्या दुकान का माल बिकता है। ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, एकदम रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कनेक्ट कीजिए। क्या दुकान बिकती है, है ना, किसी शॉपकीपर के दुकान की वजह से दुकान बिकती है तब कस्टमर आता है, क्या दुकान का माल बिकता है,
है ना। तो ये दोनों नहीं बिकता, बिकता तो दुकानदार है। ये छोटी सी बात है, डाउनलोड कीजिएगा। जो दुकानदार है ना, जो दुकानदार है वो जब किसी चीज को कह देता है कि ये तेरे लिए सबसे राइट सॉल्यूशन है, और उसके चुनने का पावर अगर ओके है, अगर सही है, बूधर अगर उसका सही है, भल्लाहट उसका सही है, कौन सा बूधर, क्योंकि वो बार बार दुकान जा रहा है, वहां वो समय दे रहा है, टास्कलिस बना रहा है, अपने स्टोर को रीअपडेट कर रहा है, और वैसी पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, भल्लाहट की बात करते हैं, कि वो राइट सामान रख रहा है अपनी शॉप में, तो वो बिकता है, उसकी जबान बिकती है। फिर वो कन्वर्ट कैसे होती है, वो कन्वर्ट होती है किसी व्यक्ति के सॉल्यूशंस में। मुझे एक मिक्सी की जरूरत थी, एक शॉप में 5-7 मिक्सियां पड़ी थी, एक शॉपकीपर ने एक फला ब्रांड की मिक्सी मुझे सजेस्ट करी, और वो जब मैंने घर लाई तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुझे मिल गया। क्या सॉल्यूशन, वो काटती अच्छा है, वो पीसती अच्छा है, उसपे जूस अच्छा बनता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसे जैसे जैसे आप डाउनलोड करोगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि साउथ ईस्ट से पैसा नहीं आता, पैसा तो उस पावर से आता है जिसके वजह से दुकान में पड़ा हुआ सामान बोलता है। कैसे बोलता है, कि वो सामान उस शॉपकीपर के बेचने के वजह से वो सॉल्यूशन मिल गया उस क्लाइंट को जिसकी खोज में वो आया था। तो हमने क्या सीखा इस वीडियो में, कि किसी भी चीज का सॉल्यूशन है ना, किसी भी चीज का सॉल्यूशन सोम देता है, ये वो सोम रस है, ये वो सोम रस है। आपसे एक, आप लोगों से एक छोटा सा और प्रश्न पूछता हूं, कितने लोग इस कंसल्टेंसी बिजनेस में हैं, मुझे सुनते हैं, क्या आपके क्लाइंट को जब सॉल्यूशन नहीं मिलता तो क्या आप अपने अंतर्मन में ये झांकते हैं कि मुझे कुछ और करना चाहिए, और करना चाहिए? तो जो जो लोग अपने अंतर्मन में झांकते हैं, डेट मीन्स कि उनका भल्लाहट एक्टिवेटेड है, भल्लाहट। और कुछ लोग हम में से ऐसे होते हैं जो केवल माल चेपने में लगते हैं, छोटी सी लेमन लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, कि वो अपना माल बेचने में लगे रहते हैं और उन्हें परवाह ही नहीं होती कि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नहीं, उसकी नीड्स का सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो उनका भल्लाहट वीक है। कैसे पकड़ा मैंने छोटी छोटी बातों को, वैसे ही आप भी पकड़िए, बुधर भल्लाहट सोम, ये तीन देवता मिलके एक जोन को बनाते हैं। किसी का करेक्ट कर दिया तो वो कीमियादार जिसके घर लोग लाइन लगा के आते हैं और वो मना कर देता है अपने प्रोडक्ट को देने के लिए, वो सोचता है, वो बात करता है कि क्या ये राइट इंसान है जिसे मैं अपना सामान दूं, है ना, वो भी उसका भी एक्टिवेट हो जाता है। मैं अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट नहीं करता अपने क्लाइंट के लिए, अपॉर्चुनिटीज बनती ऐसी है कि क्लाइंट के घर के बाहर आ जाए, ये मेरी कीमियादारी है। इस वजह से ये छोटा सा ब्रांड जिसे वास्तु गुरु जी कहते हैं यहां तक पहुंचा, और इसीलिए मैंने कहा हर बार कि जब समझ में आ जाए ये 32 रस तो 33वां जागृत होता है, जिसे ब्रह्म रस कहते हैं, जो कि बाद में एडॉन्स में आया था। आप पढ़िए रस शास्त्र, अपने आप चीजें आपको समझ में आ जाएगी। एक शक पैदा होता है, कहां से पैदा होता है, इसके लिए भी एक देवता जिम्मेदार है। गुस्सा आता है, कहां से आता है, एक देवता जिम्मेदार है। हम इसे और आगे एक्सप्लोर करेंगे, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, धन्यवाद। राजा बनना है तन मन धन से।